जी, मेरा नाम जी वकील है। मामला ऐसा है, कल की बात है, उसका तऊ है सका, ठीक है जी। उसके तऊ को, उनको परिवार को, सबको मैंने बोला, उनको मैं ये बोला अपने घर में रहो, खाओ पियो ऐसा लो, पर जी वो नहीं माने। फिर वो कल गए इलाहाबाद, वो ठीक है, उसके भाई को बोला, वो नहीं माने, ठीक है। तीन बार पहले उसके साथ ही भाग चुकी वो, ठीक है। अभी फिर वो उसके साथ चली गई, दो मेरे बच्चे, दो मेरे उसके तो बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चों को ले गए, वो फरार हो चुका है। उसका नाम है जी पवन नाथ, पवन के साथ फरार हुई है। हाँ जी, पवन के साथ। पत्नी का क्या नाम है? प्रियंका। पहले भी भागी है? तीन बार भाग चुकी है, उसी के साथ। क्या जाती है? ये मैं बताऊं आपको, क्या पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ये मेरा घर बार है, ठीक है। हर बार बोलते हैं, उसके माँ बाप को फोन करते हैं, माँ बाप ये बोलते हैं मेरे को पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, माँ बाप ये बोलते मेरे को कुछ नहीं पता। जैसे अपना घर बसाना चाहते हो ना, जैसे माले बसते हैं घर, उसे बसाओ। अभी कल गई 8 बजे जी, उसके साथ 50,000 रुपए थे, एक तोड़ा गले के अंदर था सोना, ठीक है जी। और आगे का पता नहीं क्या बनना है, क्या नहीं क्या नहीं, पता नहीं लगा काम पे, कोई पता नहीं जी। हम तो 50,000 रुपए उसके बाद थे, मैंने डर के थे, मैंने गहने थे उसके गले के अंदर। आर जी उसके पास फोन था, मैंने पंचायत पैसा भी करा है, पर लेकिन भाई नहीं माना। पंचायत पैसा के अंदर बोला, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना चाहता वो कर लो। आज मेरे बच्चों को, परिवार को लेके साफ हो गया, अपने परिवार के अंदर लगता है। मेरा चाचा है मेरा जी, हाँ जी, एक तो नानी नानो के पास है, दो लेके फरार हुई है वो। जी उम्र हो गई उसकी 22 साल, कल से जी। कल से फरार है, नहीं उम्र के बारे में कह नहीं सकता, मेरे पास प्रूफ होगा। आपकी पत्नी की उम्र क्या थी? उम्र हो गई तकरीबन 25-26 साल की जी, 30 हो गई उम्र की। अब आप क्या चाहते हैं, पूरा न्याय क्या चाहते हैं, पत्नी को आप कार्रवाई चाहते हैं या पत्नी वापस चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ साहब, जो चली गई जी, मेरा परिवार जैसे वो लेके गया है, जैसे मेरे बच्चे, वैसे वापसी भेज दे, और क्या। नहीं कार्रवाई तो करेंगे साहब, कार्रवाई तो मैंने कर रखी है उसके खिलाफ, नहीं कार्रवाई तो मैंने उसे खराब कर रखी है। हाँ जी, उसके बहन भाई के करा मैंने कर रखी कार्रवाई तो। हाँ जी, मैंने जी चौकी के अंदर उसका नाम लिखा रखा, ठीक है, मल्लेका चौकी के अंदर मैंने उसका नाम लिखा रखा, ठीक है जी। वो वहाँ पे आएगा, उसको पकड़ा देंगे, मैंने ये कार्रवाई कर रखी। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा मूर्ति भाई। तो कैसे आपकी बहू कैसे भागी, क्या पूरा मामला? अब मैं क्या करूं बेटा, मैं तो इधर रहती भी कौन, कदे कदे कहीं चली जाती हूँ लड़के के पास, कदे कहीं, इतनी रहती भी कौन, रहते थे यही दो ही जने से, इसके परिवार यही रहते, मैं दूसरे लड़के के पास रहती हूँ, इसके पास तो इतना रहती भी कौन, मैं मेरे से पता है ना इस लगाई का, मैं रहती कौन, कभी लड़के के पास चली जाती हूँ, कभी लड़के के पास, ऐसे रहती हूँ, इसके पास इतनी नहीं रहती। मैं कभी आती हूँ कोई महीने दो महीने से, और इतनी नहीं रहती इसके पास, कौ भाता मेरे से भी। तो कभी आपको लगा नहीं कि उसके मन में क्या है क्या नहीं है? हाँ, कभी आपको लगा नहीं कि उसके मन में क्या है? मन में अब क्या पता, एक बार मैं आई सी है ना, और जब वोट पड़े से, जब वोट बांट के ना आई सी, अब मेरे से क्या पता, और ताई ताई करता आता तो मुझको ऐसे ही है लड़का, अब मेरे से इतना इतना थोड़ी शक है कि भाई ये बेकार। पवन घर पे ताई ताई कहता था? हाँ ताई ताई कहता, ताई आ गई ताई आ गया, मेरे से क्या पता, मैं ऐसे सोचती जाने अपना ही लड़का, मेरे से इतना नहीं पता कि गैरनूत का लड़का। उधर एकदम से ये सारा काम कर दिया, उसने कांड कर दिया। और तो पहले भी भागी है आपकी? हाँ, तीन बार भाग की पहले। मैं तो फिर इसके डरती मारी इसके पास रहती कौन, मैं तो दूसरी लड़की के पास चली जाती हूँ, लड़का वो लड़की लड़का के पास चली जाती हूँ। मतलब नहीं, वो बार बार भागती क्यों, वजह क्या है, कुछ वजह समझ आई कि क्यों भाग जाती है? नाखुश आपके बेटे से या कोई और वजह, या कोई पैसे की बात है, क्यों भागती है? पैसे तो हम दे देते,
पैसे मैं दे देती, दाने मैं देती, खर्चा पानी मैं दे देती, हम कमाते खाते जब दे देती हूँ, ले बेटा लड़के से नहीं और खर्चा पानी होता तो मैं दे भी जब भागी तो आपने उससे बात नहीं करी कि बेटा क्यों भाग जाती है? समझाती हूँ उसको मैं बाहर मुझको बेटा आपके घर में रहा ऐसे ना कर और क्या करूं बेटा मैं आप ऐसी हूं दिमाग की थोड़ी मेरा इतना दिमाग नहीं है बेटा सच्ची कह दो बच्चे साथ लेगी ओ साथ लेगी कितने बच्चे लेगी दो लेगी हाँ एक तो नानी नाना का पास ही है वो तो वहाँ पे है वो तो नानी नाना का पास है